भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रतिदिन प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ भारत मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, परंतु गांव, देहात, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों करोड़ों आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोग परिवर्तन की इस राह से आज भी अनछुए व अनजान हैं। आरओ फाउंडेशन का उद्देश्य ऐसे ही पिछड़े वर्ग, विशेषतः महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए हर संभव अवसर प्रदान कर एक ऐसे समाज को बनाने का है, जहां सभी समान अधिकार, अवसर और गरिमा के साथ रह सके। परिवर्तन की इस राह में आरओ को साथ मिला एचडीएफसी बैंक का। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों फिरोजाबाद, बदायूं और बुलंदशहर के 18 गांवों में अब तक 25,000 लोगों तक पहुँच चुकी है परिवर्तन की लहर। विकास के लगभग सभी क्षेत्र, जिनमें शिक्षा, कौशल विकास, जल एवं प्राकृतिक संसाधन, स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तिकरण के कार्य कर रहा है परिवर्तन। We believe that women is central to any kind of development that our country needs. Women have to get equal rights, equal opportunities, and they have to live life with dignity and security. This is what we aim for. शिल्पी उन्हीं महिलाओं में से एक है जिन्हें आरओ द्वारा सशक्त कर आजीविका और स्वावलंबी जीवन सुनिश्चित किया गया है। आरओ से जुड़े तो मुझे काम मिला, तो मैं काम 3 महीने मैंने ट्रेनिंग दी तो मैंने काम सीख लिया। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बहनें भी काम सीखें और काम करें, खाली रहती हैं, और मैं एक काम सीख कर अपने पैसे कमाती हूँ, अपना काम चलाता हूँ, मेरा अच्छा खासा रोजगार चल रहा है इस गलीचे से। आरओ द्वारा स्थापित गांव के कालीन बुनाई करघे में 150 से अधिक महिलाएं शिल्पी की ही तरह अपना, अपने परिवार का और देश का उज्जवल भविष्य भी बुन रही हैं। आरओ के कार्यक्रम एक मिशन के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ निर्देशित रहते हैं। औपचारिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए गाँव के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, शौचालय, पीने का पानी, आधारिक संरचना सुनिश्चित की गई है। जो स्मार्ट क्लास बनाया गया है उससे बच्चों को नई तकनीकी का ज्ञान होगा और जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और एचडीएफसी बैंक और फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गांव की आंगनवाड़ियों का कायाकल्प किया गया एवं लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को समझते और समझाते हुए आरओ ने शौचालय का निर्माण एवं नवीनीकरण करवाया है। इसके अलावा सालों से निरंतर कराए जा रहे मदर एंड चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, डेंटल एंड बॉडी हेल्थ, वॉश इत्यादि पर जागरूकता और शिविरों से लाखों लोगों को लाभ हुआ। एक गरिमामय जिंदगी की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक आजीविका उपार्जन का स्थिर मार्ग नहीं होता। युवाओं को कौशल विकास और उसके बाद नौकरी, ग्रामीणों के लिए स्वयं सहायता समूहों और व्यापार इकाइयों की स्थापना कर महिलाओं और युवाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाया गया। मेरा नाम रेनू है, मैं बनावर में रहती हूँ। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तब से ही मैंने का सिलाई का काम संभाला है। इससे मुझे लाभ मिला है और मैं चाहती हूँ कि और भी औरतें सिलाई का काम सीखें और करें। 6,000 से अधिक किसान आज आरओ द्वारा प्रदान किए गए बेहतर कृषि तकनीकों एवं बेहतर कृषि साधनों के साथ प्रधानमंत्री के दोहरी आमदनी उपार्जित करने के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं। तो जैसे इनके पास अभी ये 2 बीघा की लैंड है, तो ये 2 बीघा की लैंड में 4 बीघे का प्रोडक्शन यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें इनको डबल फायदा इनको हो जाता है। यहाँ पे जो किसान है राजू जी, इनको हमने जी अमृत बनाना सिखाया है। जी अमृत में हमें जो हमारे घर की फालतू पड़ी चीजें हैं वही इसमें हम यूज करते हैं, चाहे वो गुड़ हो गया, गौमूत्र हो गया, ये गाय का गोबर हो गया, ये पूरी तरीके से जैविक खेती है। जब से मैंने जीवा अमृत अपना है अपनी फसल में, तब से मेरी फसल अच्छी और उन्नत किस्म की होती है।
आरओ द्वारा स्थापित 900 से अधिक किचन गार्डन कोविड महामारी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों के लिए पोषण और आमदनी का मुख्य स्रोत साबित हुए। जन एवं तंत्र के सामंजस्य से आरओ ने अब तक लगभग 5 से 6 एकड़ तालाबों का जीर्णोद्धार कर लाखों क्यूबिक टन पानी बचाया एवं बढ़ाया है। तेजी से घटते पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों और खतरनाक पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर कुशल ऊर्जा प्रबंधन मुख्य चिंता का विषय बन गया है। आरओ का विश्वास है कि पर्यावरण संतुलन के लिए गांवों में खाना पकाने, प्रकाश और अन्य सुविधाओं के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना समय की आवश्यकता है। इसी अग्रिम सोच का परिणाम है आरओ द्वारा स्थापित सौर्य चलित जल पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट, मिनी होम लाइट, बायोगैस चूल्हा इत्यादि, जो कि ग्रामीण अंचल में सफल साबित हुए हैं। Together we can realize the dream of India being this most developed, most prosperous and most powerful nation in the world. किया है ये खुद से वादा, लाएंगे देश में विकास का परिवर्तन, आत्मनिर्भर होगा हर देशवासी, हम दिखाएंगे वो आशा की किरण।